नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। इसे डिजिटल वॉर कहें या साइबर वॉर, जो अब कई देशों का हथियार बन चुका है। हाल ही में इजराइल की प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने स्वीकार किया है कि उन्होंने सितंबर में लेबनान में एक पेजर ब्लास्ट करवाया था। वहीं डिजिटल अरेस्ट में चीनियों के भी शामिल होने की खबरें आ रही हैं। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि डिजिटलाइजेशन जितनी सुविधा लेकर आया है, उतना ही ये कुछ देशों के लिए एक हथियार भी बनता जा रहा है। आपको बता दें कि इसी साल सितंबर महीने में लेबनान में पेजर धमाका हुआ था। इसमें हिजबुल्लाह के लगभग 40 लोग मारे गए और 3000 लोग घायल हो गए थे। हालांकि लेबनान स्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह द्वारा इन पेजरों का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा था क्योंकि इसमें GPS सिस्टम नहीं होता, ना ही सिम कार्ड, और इसका नंबर भी बदला जा सकता है, इसलिए इसे ट्रैक कर पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में हर कोई हैरान है कि पेजर जैसा साधारण उपकरण बम में कैसे बदल गया, इसे इसराइल ने कैसे हैक किया। बहरहाल इस हमले को टेक्नोलॉजी के खिलाफ एक भयंकर युद्ध करार दिया गया था। वैसे तो आज के समय डिजिटल टेक्नोलॉजी कई देशों के लिए हथियार बन गई है। इसका एक और उदाहरण डिजिटल अरेस्ट है, जिसमें कई अमीर लोगों को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लाखों और करोड़ों रुपए तक का नुकसान झेलना पड़ रहा है। दिल्ली पुलिस की माने तो इसमें चीनी नागरिकों की अधिक संलिप्तता देखी गई है। हालांकि इन चीनी ठगों ने कभी चीन को अपना कार्य क्षेत्र नहीं बताया। ये पहले म्यांमार और अब कंबोडिया से इस तरह की ठगी को अंजाम दे रहे हैं। शायद ये चीन पर इसका शक आने नहीं देना चाहते। वैसे डिजिटल वॉर की बात करें तो आज भले ही इजराइल द्वारा पेजर समेत कई वायरलेस चीजों पर अटैक से दुनिया सकते में है, लेकिन इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद तो इससे बड़ा कारनामा कर चुका है। करीब 25 साल पहले मोसाद ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के साथ मिलकर एक डिजिटल हथियार का इस्तेमाल किया था, जिससे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कई सालों पीछे धकेल दिया गया। इसे दुनिया का पहला साइबर हथियार माना जाता है, जिसका नाम था स्टक्सनेट। अमेरिका की CIA और इजराइल की मोसाद द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किए गए इस हथियार को बनाने का उद्देश्य देश के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे परमाणु कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाना था। इस स्टक्सनेट ने ईरान के नानतांज परमाणु संयंत्र के सेंट्रीफ्यूज को धीमा कर दिया था। सबसे बड़ी बात थी कि इस वायरस ने इंटरनेट से कनेक्शन के बिना उपकरणों तक पहुंच बनाई थी। इस ऑपरेशन ने भविष्य में साइबर हमलों की पहली दस्तक दी और ये दिखाया कि कैसे कंप्यूटर वायरस और साइबर अटैक का उपयोग एक देश की रणनीतिक क्षमताओं को कमजोर करने के लिए किया जा सकता है। इस तरह से टेक्नोलॉजी का घातक इस्तेमाल विश्व के कई देशों ने शुरू कर दिया है, जिसका उद्देश्य किसी देश की आर्थिक और सामाजिक ताकत को कमजोर करना होता है। वैसे इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा भी इस तरह के काम को अंजाम दिया जा रहा है। जी हाँ, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख लीजिए, कई जगह आपको ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो किसी देश में इस्लामिक कट्टरता फैलाने के मुख्य सामग्री के रूप में काम करते हैं। इन वीडियो को देखने वाले लोग समझ ही नहीं पाते कि कब उनका समाज को देखने का नजरिया बदल जाता है, उनका मत परिवर्तित हो जाता है, और अक्सर ये लोग ही उन कट्टरपंथियों का हथियार बन जाते हैं और कई बार मानव बम के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में ये डिजिटल वॉर आने वाले समय में और कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है।